आज इमरान भाई खुले दिल वाले हैं जी, आज आज पूरा पाकिस्तान आ जाएगी, आज सभी को एक एक सूट लेके दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे शहर के सबसे बड़े सुपर स्टोर सुपर मार्केट में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जेब में एक रुपया भी नहीं है। जेब डीली करना आसान बात थोड़ी है। बिगेस्ट करेंसी नोट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज 5,000 रुपीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़लो करम से बिल्कुल हरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो को, आज के इस व्लॉग को हमेशा की तरह अपने विलेज की मस्जिद से स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में आज तकरीबन 2 दिन पहले मुकम्मल तौर पे जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अफसोस अभी भी इस बात का है कि अभी कोरोना वायरस जो है ये ख़त्म नहीं हुआ। व्यूअर्स, हमारे इस गांव में जितने भी घर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज से करीबन 2 दिन बाद चुके ईद है, तो ईद से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मददगार जो टीम है, हम सब ने मिल के हर एक घर में अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले राशन पहुँचा दिया है। तो लेकिन हमारे घर में भी राशन ख़त्म हो चुका है, तो अभी व्यूअर्स मैं जा रहा हूँ अपने घर के लिए सामान खरीदने के लिए, खाने पीने का सामान जो है अपने घर के लिए खरीदने के लिए। परसों ईद है जी और घर का सामान ख़त्म हो चुका है। अभी इमरान भाई हैं, मैं, शेर अली भाई और भाई जाफर हैं, अभी बाज़ार जा रहे हैं घर का सामान लेने के लिए। अभी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, मेरे बाल देखिए कैसे उड़ रहे हैं। अभी भाई नजफ़ की दुकान पे आए हैं, यहाँ से अभी कुछ कपड़े ख़रीदेंगे। शेर अली भाई पैंट शर्ट लेनी है, शलवार कमीज़ भाई ने लेनी है। हमारे यहाँ भी ये ट्रेडिशनल जो है ना, ले जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहुँच आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई नजफ़ बैठे, अस्सलाम वालेकुम। मैंने और इमरान भाई ने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हम जाएंगे कपड़े ख़रीदने के लिए, चुके हमारी टीम के मेंबर, मददगार टीम के मेंबर बदर भाई और शेर अली भाई भी हमारे साथ वहाँ पे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इंशाल्लाह पहले शॉपिंग की जाए कपड़ों की, अपने दोस्तों को कपड़े ख़रीद के दिए जाएँ, उसके बाद घर का सामान जो है, खाने पीने का जो सामान है वो ख़रीदा जाएगा। तो सबसे पहले हमने वहाँ से कपड़े ख़रीदे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे जैगम भाई आ गए हैं जी। यार 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 जैगम भाई, लेडीज़ या जेंट्स कौन से लेने हैं इस बार ईद पे, क्या पहनेंगे? लेडीज़ मैं, अब मुझे आप पूछे, मैं लेडीज़ में या जेंट्स में? लेडीज़ में या जेंट्स में आप लेना, आप पसंद? मुझे लेडीज़ में दे दीजिए, ठीक है आपको। मैं इमरान भाई लेडीज़ में खरीदने लगा हूँ। जब कस्टमर से पूछा जाता है ना कि आपको लेडीज़ दिखाएं या जेंट्स, तो साथ जो उनके दोस्त अहबाब होते हैं ना, वो थोड़ा सा उनके चेहरे पे स्माइलिंग आ जाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता, तो हो सकता है मे बी वो अपनी मदर के लिए, सिस्टर के लिए, मैं उनमें से, मैं भी लेके जा रहा हूँ। यस, आप भी ले रहे हैं? मैं मामा के लिए ले रहा हूँ। ले जी, इमरान भाई भी मामा के लिए लेने आए हैं। पता ना इमरान भाई को मेरा ना, मुझे इमरान भाई का, हम दोनों अपनी अपनी मामा के लिए लेने आए हैं, अपने लिए नहीं लेने आए। पता कोई नहीं था इमरान भाई को भी। तो जब से मेरे वालिद साहब फोत हुए हैं, वो इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं, इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, तो यकीन जानिए उस दिन के बाद से मेरा मतलब कि ये फ़ैशन की तरफ या अपने आप को बंद सवर के संवारना, अपने आप को मतलब के ज़्यादा अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में करना, वो मुझसे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुकम्मल तौर पर ये मुझसे बात ख़त्म हो चुकी है। मेरी खुशी जो है ना, वो मेरे बहन भाई हैं, मेरे छोटे बहन भाई, जो मुझे अंदर से खुशी फील होती है, मुझे तब खुशी फील होती है जब मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करता हूँ। चूँकि मैं अपने घर का सबसे बड़ा हूँ, बहन भाइयों में भी सबसे बड़ा हूँ और मर्दों में भी सबसे बड़ा हूँ। मेरी जो वालिदा है, उनका जी चाहता है कि वो मुझे हर महीने जो है अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीद के दें। कोई भी माँ है, उनका जाहिर सी बात है, उनका यही जी चाहता है कि वो अपनी औलाद को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, उन्हें अच्छी तरह से संवार के रखें। तो मेरी भी वालदा का यही जी चाहता है, तो एक्चुअली इस मरतबा मैंने ये डिसाइड किया कि हर बार मेरी वालदा मेरे लिए इतना ज़्यादा करती हैं, तो इस बार इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों में से इंशाल्लाह अपनी वालदा के लिए कपड़े ख़रीदूँगा और उन्हें सरप्राइज़ दूँगा।
आज इमरान भाई खुले दिल वाले हैं जी, आज पूरा पाकिस्तान आ जाए जी, आज 22 करोड़ आवाम आ जाए जी सबको लेके। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया। आज सभी को एक एक सूट लेके दे रहे हैं, तीन भाइयों को तो सूट ले दिया, अभी तीन चार भाइयों को और सूट। लाडले राजी हो जाए जी, जी क्यों नहीं। ये सूट अभी इमरान भाई के लिए पसंद कर लिया गया है, ये इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पर्सनली मुझे तो इसका कलर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, और इसमें जो डिज़ाइन है बारीक बारीक सी लाइनें, उनकी तो क्या ही बात है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। ये दो सूट जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये सूट जो है ये मेरी छोटी वालदा के लिए है, ये सूट जो है ये मेरी बड़ी वालदा के लिए। निकालना बहुत मुश्किल काम है जी, जेब डीली करना आसान बात थोड़ी है। इमरान भाई ये हमारे इंडिया के व्यूअर्स को करेंसी भी बताया ना पाकिस्तान की। Biggest currency note of Pakistan. This is 5,000 rupees. It's the second biggest currency. This is 1,000 rupees. Third biggest currency. This is 500 rupees. इमरान भाई के पास बड़े बड़े नोट ये छोटे नोट नहीं रखे हुए, हजार हजार पाँच पाँच हजार के नोट है, छोटे नोट है ही नहीं इमरान भाई के पास। ये अमीर लोग हैं, अमीर लोग। स्मॉलेस्ट नोट, दिस इज 10 रुपीज। 10 रुपीज। इमरान भाई किस किस के लिए लिए हैं जी अभी? अभी मुझे जो मोटे मोटे नाम याद है, शेरे भाई के लिए लिए हैं, बदर भाई के लिए लिए हैं, मुजम्मल भाई के लिए ले लिए हैं, हैदर भाई के लिए ले लिए हैं, अशल भाई के लिए ले लिए हैं, और पता नहीं दो तीन सूट ये हो गए जी, ये सारे सूट हो गए। ये देखें सूट अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लियर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया नजफ भाई, ख्याल रखिएगा जी अब अपना, अल्लाह आपको सेहत दे। ओके चाचा जी, अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अभी यहाँ से शॉपिंग की, ये शॉपिंग जो थी ये मेरी ताइमा की तरफ से, मिसेस सैयद जावेद उनकी तरफ से, और इमरान भाई की तरफ से, हमारे मेरी ताइमा की तरफ से और इमरान भाई की तरफ से यहाँ पे अभी शॉपिंग हुई। अभी सुपरमार्केट चलते हैं, बाज़ार में नहीं जाएंगे, बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रश है। ये सामने बाज़ार है, उस तरफ पर जाएँ तो ये हमारे शहर का सबसे बड़ा मेन बाज़ार है, लेकिन अभी उस तरफ नहीं जाएँगे, अभी हम जाएँगे सुपरमार्केट, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते, हमने हार मान लिया। अभी हम जा रहे हैं सुपर स्टोर, वहाँ से जाके बाकी सारी चीज़ें खरीदेंगे खाने पीने। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे शहर के सबसे बड़े सुपर स्टोर सुपरमार्केट में हम पहुँच चुके हैं, लेकिन जेब में एक रुपया भी नहीं है। अभी ये घर के सामान की लिस्ट है, अभी यहाँ से सामान लेते हैं आगे। माँस की दाल हो गई जी, दाल मूंग, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे करीबन 2 महीने पहले लॉकडाउन लग गया था, वो इस वजह से चूँकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो चुका था, बहुत ज़्यादा फैल चुका था, हमारे यहाँ पे लोगों ने ये किया कि यहाँ पे लोगों ने 6-6 महीने का जो है वो अपने घर में स्टॉक लगा लिया, 6-6 महीने तक अपने घर में जो है वो सामान ला के रख लिया, खाने पीने का सारा जितना सामान था 6-6 महीने का सामान अपने घरों में रख लिया। लेकिन मैंने सिर्फ 2 महीने का सामान लिया था, तो आज से 2 दिन पहले वो सामान ख़त्म हो चुका है, तो अभी जो है चूँकि वो सारे का सारा सामान ख़त्म हो गया था, तो अभी यहाँ से वो ईद है, परसों ईद है, तो ईद की वजह से अभी ये सारी दोबारा शॉपिंग हो रही है। उस साइड वाली शॉपिंग हो गई है, अभी इस साइड वाली जो है ना शॉपिंग यहाँ से ये कपड़े धोने के लिए, ये छोटे भाई ने बोला था इनका मैक्रोनीस का, हमारे दो घरों में एक में लिप्टन चलती है, एक में सुप्रीम चलती है। हेड एंड शोल्डर शैम्पू बैग के लिए, बैग हेड शोल्डर। कोरोना वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हमारे इलाके में भी केसेस आ चुके हैं, तो ये नहाना सफाई का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चाट मसाला, मसाले इस तरफ देखते हैं जी, ये काली मिर्च वाला मसाला, ये चाट मसाला, बिरयानी मसाला। ये मसाले हमारे पाकिस्तान में मसाले बहुत ज़्यादा चलते हैं, मसालों के बगैर आपका खाना जो है ना उसका कोई जायका नहीं है। अभी चूँकि ईद आ रही है, तो ईद की वजह से जो है ना मुझे ख़ास तौर पे मेरी सिस्टर ने बोला जी आपने ये लजीज़ा खीर लानी है, ये हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर खीर है, और ये बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे। ईद में अगर हमारे यहाँ पर ये कस्टर्ड ना खाया जाए, लजीज़ा खीर कस्टर्ड ऐसी चीज़ें, तो फिर समझे कि हमारे यहाँ पे ईद सही तरह से सेलिब्रेट नहीं होती, ये चीज़ें होंगी तो हमारी ईद सेलिब्रेट होगी, तो ये भी कस्टर्ड ऐसा था। मसालों ये ख़ास तौर पे मुझे मेरे छोटे भाई ने बोला था जी ये ब्रेवो लाना है, ये बिस्किट है हमारे यहाँ पे, इंडिया में भी शायद हो, इंडिया में बल्कि होगा, ये वहाँ से ही आते हैं ऑलमोस्ट।
ये जामे शीरी है और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जामे शीरी जो है ना वो मशरूब के तौर पे बहुत ज़्यादा पी जाती है। रमज़ान में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा पी जाती है जामे शीरी। ये इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये नेचुरली होती है, जड़ी बूटियों से बनी होती है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पी जाती है जामे शीरी। चूँकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है तो ये थोड़ी ज़्यादा ली है हमने। शेर अली भाई ने सारी शॉपिंग कर ली है। शेर भाई शॉपिंग डन होगी जी? यस। अल्हम्दुलिल्लाह भी शॉपिंग डन हो चुकी है। आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेगा। मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिला है तो भाई का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। ज़िम्मेदारी जो है ना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। आपको फुली मैच्योर मेंटली आपको मैच्योर कर देती है ये जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं घर की। और यकीन जानिए जब आप अपनी ज़िम्मेदारी को संभालने के लिए पहला कदम ऐसे उठाते हैं ना, यकीन जानिए बाकी जितने भी कदम उठाएँगे ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक एक कदम पर आपकी गैब से मदद करेगा। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुंच गए हैं जी यहाँ पे मस्जिद में। इमरान भाई भी आ गए हैं। ये ले जी 200 रुपये सूट, 200 रुपये सूट, 200 रुपये 100 रुपये 50 रुपये, 200 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 200 रुपये। आ जाओ बढ़िया सूट, बेहतरीन सूट। और सूट अभी ले हैं सबके। अभी देखते हैं इमरान भाई से पूछते हैं ये किस किस के लिए सूट लाया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूट है जी माशाल्लाह। ये है जी मीसम अब्बास, अशल अब्बास, अली भाई, आप यहाँ माँ जी, ताहिर अब्बास, बदर भाई, मुजम्मल भाई, शेर अब्बास। क्योंकि जो सूरत हाल थी इसमें हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे पास जो भी पैसे हैं वो हम कुछ तो गरीबों में बांट दें, जो हमने अभी आपके सामने किया है, और फिर जो बच गए थे उनसे अपने बच्चों को खुश करें। वो हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं बड़े हो जाइए तो फिर कह दी ईद ईद बच्चे आदि होती है, तो ईद तो बच्चों की होती है तो बच्चों को खुश होना चाहिए। तो हमारे टीम मेम्बर्स को हमने खुश करने के लिए वो सारी अपनी ईदी उधर खर्च की थी। और सो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद की शॉपिंग जो है वो मुकम्मल कर ली है। यही हमारी ईद की शॉपिंग है। आपसे नहीं उठाने होगी पहले सामान। चलो अच्छा खाली यानी आज फजल बस भाई की परीक्षा शुरू हो गई है। एक और शर्त रखी रखी। चलो भाई फजल बस अब आप नहीं मेरे सन्या। चलो ये इधर मेरे छोटे भाई हैं फजल बस, उधर भी मेरे छोटे भाई हैं बेचारे। चलिए अभी ये सारा सामान जो है ये मेरे ताया को के घर जा रहा है, मेरे वालिद साहब के बड़े भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारे ताया अबू हम के घर सामान डिलीवर हो चुका है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी पहले से शलवार कमीज़ यहाँ पे हमारी ये ट्रेडिशनल है, ये रिवायत है हमारी यहाँ पे ईद पे शलवार कमीज़ पहनते हैं हम नौजवान जो हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा शलवार कमीज़ पड़ी हुई थी तो इस मरतबा मैंने वो भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कम शलवार कमीज़ पहनता हूँ, आप मुझे ज़्यादातर पैंट शर्ट में ही देखते हैं वीडियोस में भी। तो शलवार कमीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी तो इंशाल्लाह मैं वो जो पड़ी हुई शलवार कमीज़ हैं वो बिल्कुल नहीं है चुके, तो इंशाल्लाह उन्हीं का इस्तेमाल करूँगा, मुझे नए कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपनी वालिदा के लिए गिफ्ट ख़रीदा, इमरान भाई ने अपनी वालिदा के लिए और हमारी टीम के लिए गिफ्ट ख़रीदा, ताइमा की तरफ से भी हमारी टीम के लिए जो वो कपड़े गिफ्ट थे। इमरान भाई कल से ईद की खुशी में कुछ ना कुछ बांट रहे हैं, आज क्या बांटने इमरान भाई आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि अगर इंसान नेकी की तरफ चलता है, नेकी के लिए कदम उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उसमें मददगार हो जाता है और उसमें आपके लिए नए इसबाब और नए रास्ते और नए ज़रिए वो बनाता रहता है। अभी मुझे कैमरे के सामने ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारे एक भाई हैं यूके में, सैयद हमाद रज़ा, तो उन्होंने यहाँ हमारी एक फैमिली के लिए, यहाँ पे एक डिज़र्विंग फैमिली है उसके लिए, भैया जी मेरे हाथ में है आप देख रहे हैं ये 10,000 रुपीज़ हैं, ये उनके लिए ईदी भेजी है। आपको पता है कि अभी 2 दिन बाद ईद है तो ये उनकी भेजी हुई अमानत जिस फैमिली के लिए उन्होंने कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं और हैदर भाई जाएंगे और ये अमानत उन तक पहुँचा के आएंगे। ये तकरीबन 10,000 रुपीज़ हैं जी, ये उनकी ईदी आई है और हम उन तक पहुँचा रहे हैं।
सो व्यूअर्स, फिलहाल अभी मैं थक चुका हूँ सारी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग करके, अभी थोड़ी देर पहले वापस आए हैं मस्जिद में। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने अपने इस विलेज में, अपने इस छोटे से गांव में, इतने छोटे से विलेज में, हमारा गांव वाकई में बहुत ज़्यादा छोटा है, कभी आपको सैर कराऊंगा अपने गाँव की भी। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमने अपने इस छोटे से विलेज में, हमारा ये जो छोटा सा गाँव है, तो हम यहाँ पर अपने इस छोटे से गाँव में ईद की खुशियों को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सो इंशाल्लाह व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो जो है वो ईद की सेलिब्रेशन पर ही होगी। लास्ट वाली ये जो लाइनें हैं ना, ये जब मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ तो ये लास्ट पे दो तीन जो लाइनें बोलता हूँ ये मैंने हिफ्ज़ कर ली, मुझे ये रट्टा लग चुका हुआ है, और मैं ये जो है ना आंखें बंद करके भी आपको जो है ना ये सुना सकता हूँ ऐसे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये काविश, हमारी मेहनत, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार देकर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर इसी तरह की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो इंशाल्लाह मैं इमरान भाई, हमारी सारी की सारी टीम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मोटिवेशनल वीडियो, एक मोटिवेशनल मैसेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक आप अपना, अपने गिरदनवा के सभी लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे, इमरान भाई, हमारी सारी की सारी टीम को भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिर्फ ऐना कहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इमरान भाई खुले दिल वाले हैं जी, आज पूरा पाकिस्तान आ जाए जी, आज सभी को एक एक सूट लेके दे रही है।